देखिए, माता कालरात्रि के रूप और स्वरूप को समझने में आपके मन में कभी कभी माता काली का भ्रम उत्पन्न होता होगा। आपको लगता होगा कि माता कालरात्रि और माता काली एक ही हैं, क्योंकि लगभग इनका स्वरूप एक है, लेकिन इन दोनों के स्वरूप में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि माता काली के गले में नर मुंडों की माला है, अक्षमाला है, मंत्रों की, शब्दों की, अक्षरों की माला है, जिसको प्रतीकात्मक रूप से नर मुंडों की माला के रूप में दिखाया गया है, वो माँ कालरात्रि के गले में नहीं है। दूसरा, माँ कालरात्रि की जो पूजा है वो सामान्य नव दुर्गा की पूजा है, सामान्य वैदिक पूजा है, कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। नवरात्रि में अपने घर में सामान्य तरीके से माँ कालरात्रि की वैदिक पूजा की जा सकती है। वैसे तो आप अपने घर में माँ काली का चित्र रख करके या उनकी मूर्ति रख करके उनकी भी सामान्य पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ काली मुख्यतः तंत्र की देवी हैं, इसीलिए माँ काली की जो तांत्रिक पूजा होती है वो बिना किसी गुरु के निर्देशन के, बिना किसी गुरु के गाइडलाइन के नहीं की जा सकती। यानी माता काली जो हैं वो 10 महाविद्या का स्वरूप हैं, तंत्र की देवी हैं, और माता कालरात्रि नव दुर्गा का स्वरूप हैं, सामान्य रूप से नव दुर्गा के रूप में इनकी पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन माँ काली की जब विशेष पूजा होगी वो तंत्र साधना होगी, और वो तंत्र साधना बिना किसी गुरु के निर्देशन के नहीं हो सकती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप नवरात्रि के दौरान माँ काली की भी सामान्य पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के लिए महा उपाय क्या है। नवरात्रि में किसी भी रात को माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा, उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और एक घी का दीपक जलाइएगा। अगर दीपक पहले से जल रहा है तो जलने देंगे। इसके बाद एक बार में ही 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, लगभग घंटे भर लगेंगे। लगातार 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करें नवरात्रि में किसी भी रात को, आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।